नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू यूर चैनल आर के फिन बॉक्स। बात करते हैं फ्रेंड्स, डावर की तरफ से न्यूज आई है। डावर लाइंस अप कर रहा 550 करोड़ टू बूस्ट करेगा कैपेसिटी। पैकेज्ड कंज्यूमर गुड्स कंपनी रिपोर्टेड 34% इंक्रीज हुआ है इन इट्स फोर्थ क्वार्टर का नेट प्रॉफिट इनका, जो कि 377.29 करोड़ फ्रॉम द ईयर अर्लियर पिछले साल के मुकाबले। कंपनी ने पोस्ट किया था नेट प्रॉफिट पिछले साल 281.60 करोड़। अब बात करते हैं डावर्स की भी। उन्होंने बोला डावर्स की जो सीईओ है मोहित मल्होत्रा जी ने बताया, वी विल इन्वेस्ट करेंगे 550 करोड़ द नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स टू सेटअप करेगा ग्रीनफील्ड फैसिलिटी इन द सेंट्रल इंडिया टू कैटर करेगा टू अवर ईस्ट साउथ वेस्ट एंड आल्सो नॉर्थ रीजन को। जो डाबर इंडिया है सेटअप को इन्वेस्ट करेगा 550 करोड़ तो बिल्ड करेगा एडिशनल कैपेसिटी एंड ऑगमेंट इट्स हेल्थ केयर होम पर्सनल केयर पोर्टफोलियो। इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहित मल्होत्रा जी ने बताया है। बात करते हैं फॉर क्वार्टर एंडेड मार्च 31 कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से राधा 2337 करोड़ इन इंक्रीज हुआ 24.5% फ्रॉम द 1865 करोड़ रिपोर्ट कंपनी का लास्ट ईयर से। फर्म हैज परचेज लैंड इन द मध्य प्रदेश एज पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट टू एनहेंस करेगा कैपेसिटी। वी विल इन्वेस्ट 550 करोड़ इन द नेक्स्ट 4 to 5 ईयर टू सेटअप करेगा। तो उन्होंने बताया ग्रीनफील्ड फैसिलिटी में इन्वेस्ट करेगा इन द सेंट्रल इंडिया टू कैटर करेगा अपना ईस्ट साउथ एंड वेस्ट आल्सो नॉर्थ रीजन को। वी विल हैव ऑलरेडी टेकन द 50 एकर लैंड नियर द इंदौर टू स्प्रस अप एंड ऑगमेंट अवर कैपेसिटी एसेंशियली फॉर द हेल्थ केयर बिजनेस। दैट इज द वॉट वी आर डूइंग थ्रू ऑगमेंट कैपेसिटी इन द लॉन्ग टर्म बिकॉज पेनिट्रेशन ऑफ हेल्थ केयर इज गोइंग अप इन द कंट्री। ये मल्होत्रा जी ने बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो।